मैं माई सेल्फ मिर्जा मोहित अहमद फ्रॉम डेरा गाजी खान सेकंड आला तालीम के लिए हम लाहौर गए। बैक टू अनदर व्लॉग। पीछे मोहित भाई आए हैं, हमने लाइव लोकेशन शेयर की हुई थी तो मुझे नजर आया करीब पहुंच गए हैं, तो वो पिक करना है। मोहित भाई मेरे पप्पो के बेटे, उनका कुछ दुबई में काम था तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ दुबई तो आई कैन पिक यू अप। मैंने कहा शो व्हाई नॉट। तो जी हम लोग चलते हैं जी नीचे। मोहित भाई काफ़ी अच्छी शायर भी हैं, काफ़ी अच्छी शेर शायरी करते हैं, तो कहेंगे गाड़ी में गानों के बजाय अपनी शेर शायरी सुनाएं, बड़े मज़े के लिखते हैं। अस्सलाम राव साहब, यार मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, मैप लगाया हुआ था, किधर है, पहुंच गया मैं शारजा। इसको हम दोस्त छेड़ते हैं कि यहाँ तो परिंदों को जगह नहीं मिलती, ऐसे टच में बिल्डिंग्स हैं और कंजेस्टेड, इसलिए इधर रोड बड़े छोटे हैं। अभी हम चलते हैं दुबई, तो हमारे हर जगह प्रोजेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम तकरीबन 8-10 क्लास फेलोज हैं, अपनी अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। तो उसी सिलसिले में फिर आना होता है इधर। अच्छा। वीकेंड मेरा इधर ही होता है, हफ्ते को इधर शारजा एक्सपो में मुशायरा है। अच्छा। उसमें भी मैं इनवाइटेड हूँ, तो उधर ऐसे मेंशन कर चुके हैं, बड़े अच्छे शेर शायर हैं और आप कुछ ना कुछ शायरी सुनाएंगे। हम शारजा से जा रहे हैं इंटरनेशनल सिटी दुबई, देख सकते हैं शारजा की ट्रैफिक। बेसिकली बॉर्डर एरिया शारजा दुबई का। अच्छा ये वाला नाहदा का एरिया है। अच्छा। इसके बाद मतलब दुबई स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। ये सारा जो एयरक्राफ्ट एरिया है कच्चा पार्किंग, अदरवाइज यहाँ पर पार्किंग के चार्जेस होते हैं। मजे का सीन अभी ये हुआ है कि यहाँ आगे राउंड अबाउट था और ये मिस कर गए, 15 मिनट बाद पहुंचे थे। हाँ 15 मिनट बाद को बहुत ही स्लो, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाए ना, ट्रैफिक चल रही थी। राउंड अबाउट के बाद इन्होंने यू टर्न ले लिया, उनको लगा कि यू टर्न लेना है, लेकिन हमने जाना था लेफ्ट। अभी यहाँ पे चल रहे हैं, ये आगे राउंड अबाउट नज़र आ ही रहा होगा, ये जो यहाँ पे पिलर है। हमें तकरीबन 25 मिनट हो गए इधर। आहो जी 25 मिनट तकरीबन हो गए, नहीं कोई नहीं निकल जाएंगे। अब ये अगर 4 लेन 5 लेन होता तो ये वाला मसला ना होता है। इधर 50-50 मंजिला टावर बने हुए हैं, लेकिन वो सारी ट्रैफिक और मॉल्स वगैरह का रोड की एक्सपेंशन नहीं है। ये जो ब्लू बोर्ड्स हैं ये सारे शारजा की तरफ जा रहे थे, और जो ग्रीन बोर्ड्स हैं ये सारे दुबई की तरफ। ब्लू और शारजा अबू धाबी मिक्सड है। इंडस्ट्रियल एरिया वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इनका सारा वो है, तो उसकी स्मेल है बहुत ज्यादा केमिकल्स की। उसकी अब इधर सारे वो पाकिस्तानी भी हैं, फिलिपिनो भी हैं, बंगाली हैं, गोरे भी हैं, चाइनीज भी हैं। ये आगे ज़्यादा इसकी वजह से चल रहा है कि वेयर हाउसेज और होल सेल में बहुत चीज़ें मिलती हैं। थोड़े थोड़े इंजीनियर हैं, हम इंजीनियर है ये भी, हम सारे ये स्ट्रक्चर इंजीनियर है, ये हाईवे इंजीनियर है, मैं बिल्डिंग में हूँ। और ये तो इन्होंने अपनी सीवी, इन्होंने अपनी सीवी तो बता दी, नाम भी बता दें, नाम क्या है। ये मोहम्मद फयाज, इसको हम असवद कहते हैं, और ये लाहौर बेसिकली सरगोधा से है, आजकल लाहौर में रह रहे हैं। ये मोहम्मद राव उसामा, और ये खानेवाल से है और आजकल इधर रह रहे हैं। हम आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर गए, लेकिन हासिल कर नहीं सके, हासिल हो गया। डबल मीनिंग है इसके अंदर, डबल मीनिंग हर चीज़ में जो है ना, मुझे डबल मीनिंग नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे अब अंदर की बातें नहीं पता। वो आहिस्ता आहिस्ता खुले, वो मैंने इनको बताया कि 2 घंटे देखो मुगीज किस तरह की बात करता है, उस हिसाब से खुल जाना। हमें डांस अच्छा करता है, ये हम किसी चौक पे रोकेंगे तो ये झूमर डालेगा। अच्छा उससे पहले एक और चीज़ डिसाइड ये हुआ था, क्या हुआ था ये देखें ना, किस जगह पर साहब मेरे ख्याल है इससे अगर बीच ही जामेर वगैरह में बुलंदी भी चलता है, लेकिन वो बिल्कुल अंधेरे वाला होगा। बुलंदी गया तो सॉरी JBR, लेकिन वो बिल्कुल अंधेरे वाला होगा। JBR या सिटी वॉक वगैरह चल ठीक है।
चलो डिसाइड हुआ सिटी वॉक, सिटी वॉक है क्या वैसे? ये डिसाइड हुआ था और अभी हम लोग ये नेशनल सिटी में आए हैं, फ्रांस से निकलते हैं। किधर जा रहे हैं जी? ये हम सिटी की तरफ जा रहे हैं, ये हम दुबई से, दुबई सिटी से 20 किलोमीटर दूर है। हमारे लेफ्ट साइड पे स्पेन है, लेकिन लेकर मैं तो केबे जा रहा हूं। हां सही जा रहे हो, जाना देखा मेरा नेक्स्ट राउंड मोड से राइड करना का तो अभी वैसे सिटी वॉक में, लेकिन अगर बीच में कुछ इंटरेस्टिंग आता है, बैली डांसिंग अगर हुई तो दिखाएंगे। देख लेना, पहुंच गया, सही निकल गया। मुईद हां, अगर वहां जाने से पहले खाना खाना है ना, तो यहां पाक जी ना आ जाएगा, नहीं तो वहां किसी और जगह अच्छी जगह खाने का क्या सीन है? अभी खाते हैं देसी खाना होगा, अच्छा होगा, मजा आएगा। आप मुईद ने नहीं खाया, पूछ लो ना, देसी है या बंदी वगैरह, ऐसी चीजें हर चीज है। चलो जी आगे, अब हम लोग जाए पाक जी रेस्टोरेंट। यहाँ पे था ये इंटरनेशनल सिटी में पाकिस्तानी खानों के लिए बेहतरीन। अच्छा, ये स्पेशियस भी है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, और इधर हर तरह का हांडी वगैरह कढ़ाई हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ मिलती है। तो कढ़ाई शढ़ाई हमने कहा कि नहीं भी खाएंगे तो देसी ही खाएंगे, देसी के अलावा कुछ नहीं खाना। तो इस वजह से हम लोग ये पाक जी रेस्टोरेंट रहे हैं, फिर अंदर मेन्यू शेन्यू देखते हैं, देखते क्या ऑर्डर करना है। नाम मुस्तफ़ा, ये फैसलाबाद से है, मेरा क्लास का है। रावत एक लोधना से है, ये भी मेरा क्लास का है। हम सारे क्लास का है, सारे है। आगे तो ये देखें, कढ़ाई फिश देसी, दाल देसी, सब कुछ दाल, सब कुछ देसी। खाना शाना शुरू करते हैं, और फिर खाने के बाद में ओके जी बिस्मिल्लाह कर देना। सुना है आपने पॉलिटिक्स में जाना है, हैं सियासतदान बनना है? चावल मारी है नजरे तो मिला, चल देखेंगे। एक नई पार्टी आ रही है, क्या पार्टी का नाम क्या होगा? पाक जिना पार्टी। ओ वैसे ये नाम अच्छा है, पाक जिना। पाक जिना स्वीट एंड रेस्टोरेंट। पाक जिना क्या? स्वीट एंड रेस्टोरेंट। पाक जिना तारीख तीन साल दुबई में। खाना वगैरह खा चुके हैं, अब बस निकलते हैं, आगे एक जगह पे जाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। आप खुद ही बोल लिया करें। चलो यार मैं खुद कर लूँगा बस। आप आ रहे हो? हम आपके साथ चलते हैं। आप हमारे साथ ही आ रहे हैं? आ जाए हमजा भाई, आ गए हैं। इनसे पानी वगैरह मंगवाया था, शॉर्ट्स वगैरह चेंज वगैरह करके आए हैं। चलें जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देख क्या कर रहे हैं, देखना हरामी पर। इसके आगे ना रोके, वो पीछे से लाइटें शुरू हो गया, तो अपनी लाइन में सही चल, पीछे एक्सीडेंट हो सकता। शेर सुना देता हूँ, आप मुल्क से बाहर आए हुए हो, उसी के तनाजुर में। बंदा किसी के साथ, खुदा हो किसी के साथ, जाने पराए शहर में क्या हो किसी के साथ। जिस शख्स से शदीद मोहब्बत हो तुमको, वो तस्वीर में दिखाया गया हो किसी के साथ। तो जो भी चाहे खुदा वो तुझको अता करेगा, तेरे लिए ये फकीर दिल से दुआ करेगा। मुझे पता है वो दिल बुझाने के बाद मेरा, अंधेरे रास्ते में शम्मा रोशन किया करेगा।
उसे मोहब्बत का और बिछड़ने का तजुर्बा है, वो एक इनमें से दूसरी मर्तबा करेगा। मैं उसकी यादों में सूख जाऊंगा और एक दिन वो अपनी पोरों से छू के मुझको हरा करेगा। हमारे मिलने की कोई सूरत नहीं है, फिर भी ये लग रहा है खुदा कोई मौजजा करेगा। मेरे दोस्त बैठे हैं, ये दोनों भी बहुत अच्छे शायर हैं और ये इंटरनेशनल मुशायरे भी पढ़ चुके हैं, ये फयाज मोहम्मद फयाज सरगोधा से। ये दिन क्या खाक अच्छे हो गए हैं कि हम बेजार खुद से हो गए हैं, किसी का जिस्म नीला पड़ गया है, किसी के हाथ पीले हो गए हैं। ओए होए, वाह वाह, जिन्हें एक दूसरे की थी जरूरत वो सब एक दूसरे के हो गए हैं। ये तुम 2 मिनट का कह गए थे मगर अब 2 महीने हो गए हैं, मिला लो हाथ अब तो दोस्ती के तकाजे सारे पूरे हो गए हैं। जज़ाकल्लाह। अब हमारा जो अगला शायर है वो सारे शायर सामा रिकॉर्ड नहीं कर ये तो गाने की कोशिश करनी है, ये अपने तक महदूद रखे। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने बिल्डिंग में, दो दफा गलत रास्ते पे गए। चलो जी आप करो, रेस्ट करो। ओके जी, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अब देखते हैं, बेल बजाते हैं, लोगों को जगाते हैं, सो रहे होंगे बेचारे सारे। तो ये वाला ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। ओके जी, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।